education is not just about acquiring knowledge. It is the foundation on which we build our future, the tool that empowers individuals to contribute meaningfully to society, and the key to unlocking opportunities for growth and prosperity. Despite the progress that we have made, there are still significant challenges that need to be addressed in our education system. And I am being frank about those. These have sentiments have been shared by the Honorable Deputy Speaker. हमें जो अवार्ड दिया था उसको अवार्ड देना था और गवर्नर का तरफ से एडवाइस किया, बहुत अच्छा एडवाइस दिया हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने। तो आज का प्रोग्राम तो बहुत सक्सेस रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको आयोजित किया था हमारा अवार्ड का ऑनर में, और मुझे भी इनवाइट किया कि गेस्ट ऑफ ऑनर का तौर पर। तो मैं बहुत खुश हूँ गवर्नर का साथ मुझे मंच साझा करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और मैं आप लोग का माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारा आभारी व्यक्त करता हूँ। सर, जो ये 40 टीचर्स को अवार्ड दिया गया है, सब गवर्नमेंट टीचर ही है, तो हमारे जो एजुकेशन में योगदान प्राइवेट टीचर का भी होता है, तो ऐसे डिप्टी स्पीकर आपका क्या कहना है उसमें कि प्राइवेट टीचर को भी इस तरह से अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट का तरफ से कब मिली? अब तो सही बोला, देना चाहिए। मेरे ख्याल बीकेबी का जो टीचर था इन लोगों को भी अवार्ड दिया गया, और खास करके ज़्यादातर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के था। तो आने वाला दिन में उसको एप्रोप्रिएट फॉरम में उठाना चाहिए। हमारा जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ का जो अच्छा टीचर उसको भी अवार्ड दिया जाना चाहिए। जो यहाँ के अभी जो टीचर्स हैं, अभी जो प्रोग्राम देखेंगे, जो टीचर्स लोग को अवार्ड दिया गया है, बहुत टीचर्स लोग भी देखेंगे, जो उन लोगों को भी अवार्ड मिलने के लिए, बाकी टीचर्स लोग के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस अच्छा ड्यूटी करिए, आपका रिकमेंडेशन होगा, आपको वो अवार्ड दिया जाएगा स्टेट लेवल में, और सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग या आपका इंडिया लेवल में भी रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ से रिकमेंडेशन जाने का बाद। और लाइफ में जिसको अवार्ड मिलता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए ड्यूटी करना है, अपना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से निभाना है। मैंने मान से ही दरख्वास्त किया था हमारा टीचरों को, शिक्षकों को, कि आप लोग अच्छा से ड्यूटी करो, नेशन आपका साथ हाथ में है और अगला पीढ़ी आपका हाथ में है, आप जिस तरह मोल्डिंग करेगा वैसा ही हमारा नेशन चल पड़ेगा, और बस यही मैसेज को मैं देना चाहता हूँ। आज ये अवार्ड मिल के बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ, और मुझे ये अवार्ड जब मिला है उससे पहले से मैं बहुत दिल से काम करती थी, लेकिन अभी उससे और ज़्यादा दिल से काम करूँगी, और जो हमारे कलीग्स हैं उनको भी उत्साहित करूँगी कि आप और दिल से काम करिए, कभी न कभी आपको भी सम्मानित किया जा सकता है। ट्वेंटी ईयर्स हो गया, बहुत बहुत। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग प्लेस सारली था, करा दादी, जहाँ 3 days फुट मार्च था, 10 months की बच्ची को लेके मैं गई थी वहाँ। सर, सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे आपको, एंड आज आपको यहाँ पे स्टेट अवार्ड टू टीचर्स जो होता है आपको भी एक दिया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है यहाँ पर 35 years से ज़्यादा सर्विस दी है, और आज मुझे उसका जो फ्रूट जो है फल है आज मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश जो है मेरे देखते हुए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया यहाँ पर। और तो यहाँ पे आज जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट अवार्ड टू टीचर्स है, आप तीनों भी एक अवार्डी हैं, तो सबसे पहले सर आप बता दीजिए कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस? बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं। अरुणाचल में 26 years एज ए डिप्टी असिस्टेंट सेवा दिया, मैंने 3 districts में काम किया। सर्वप्रथम मैंने माधेपुर में 1997 को ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल पालिन हुआ। पालिन में सेवा देने के बाद वहाँ से फिर मेरी, ये तो सरकारी जॉब में नियम है, ट्रांसफ़र होते रहता है, और मैं अभी नाकिन में सेवा दे रहा हूँ। और मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे जैसे दुख शिक्षक को ऐसे सम्मान से सम्मानित किया गया राज्यपाल के द्वारा। धन्यवाद। सर, आप भी बता दीजिए, आपको भी अवार्ड दिया गया है, एंड यू आर वन ऑफ द लाइक लोकल्स यहाँ का जिनको मिला है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट सर? जी, थैंक यू आपको थोड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आज मैं हम
मैं बहुत खुश हूँ यहाँ स्टेट बैंक्वेट हॉल में आकर राज्यपाल हमारे गवर्नर के साथ कुछ समय बैठ के बहुत खुशी हो गया। और आज का फंक्शन में जैसे कि स्टेट टीचर्स अवार्ड, उसमें बहुत सा मुझे खुशी का महसूस हो रहा है। तो एंड आप कितने समय से टीचिंग लाइन में हैं सर? ये मैडम मेरा 2009 में एसएससी टीचर्स के रूप में मुझे अपॉइंट किया गया, तो आज तक मैं और सेवा करते करते ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा करते करते दूर दराज में सेवा करते करते और 15 साल हो गया। तो 15 साल में आज यही हमारा मेहनत है, मेहनत का फल है, मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ। तो आज स्टेट में मुझे अवार्ड मिला, बहुत खुश हूँ। और मैं यही उम्मीद देना चाहूँगा कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो जितने भी अरुणाचल प्रदेश में एसएससी टीचर्स हो, चाहे रेगुलर टीचर्स हो, जितने डेडिकेशन सिंसियरली और मेहनत से पढ़ाने वाले को हर साल में ऑब्जर्व करें, सही ढंग से ऑब्जर्व करें, और इस तरह से अवार्ड में, इस तरह के अवार्ड फंक्शन में कुछ घूस ना रखे, खराब चीज़ को ना, प्रोसेस को ना निभाए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। मैम नमस्ते, दिस इज पिनाकी रॉय फ्रॉम वीकेवी ओयान, प्रेजेंटली पोस्टेड इन, एंड आई एम वर्किंग इन वीकेवी सिंस लास्ट 10 years आर ओवर, एंड टुडे आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एट प्रेजेंट, बिकॉज अर्लियर देर वॉज आई वॉज वर्किंग बट रिकॉग्निशन वॉज नॉट देयर, बट टुडे आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर अवार्ड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सुपर जॉयड, and at the same point of time I think that I have become more responsible now, people will expect more and more from me now, even further I have to perform, so I'm really happy for getting awarded for the today's teachers day program. Thank you ma'am. Thank you. Myself Shamul Chakravarti, I am born and brought up in Arunachal, studied in RK Mission Alo, then joined in RK Mission Alo as a teacher and worked there for 3 years. Then 99 I came to VKBs. Now I am the principal of VKB Valjan and I am working in VKBs for last 25 to 26 years. And I am very happy because born in Arunachal Pradesh, worked here, now recognized for that. So I am very thankful to the government of Arunachal Pradesh, especially education department, for selecting me and giving me this recognition.